हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो आज आम पिला मैंने क्लास इलेवेन्थ फिजिक्स पढ़वा दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो तुम्हें शुणी थो सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली आउ गोटे प्रकार मोशन आस वन इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, फास्ट आम तार डेफिनेशन पाक जापर आम देखा एप्लीकेशन पार्ट, थर्ड रे आसीबा वैरायटी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, देन आपरे जीवा सेतरे किछि प्रॉब्लम करिवा, बुझे लागि नै। हाँ, आउ गोटे छुआ मुझे कही रखु मत भी बहुत पिला फोन कर सर कौन पाई कि आप क्लास नौ ना इलेवेन्थ क्लास फिजिक्स रे अल्प क्लास होती। तो एक्चुअली छुआ कौन है ना, आमर गोटे किछि पिला भी मोर वीडियो भी जो मैं देखिबे से जानि परथुबे से जूम क्लास रे ऑलरेडी से एड हि सरजंती हला। तो नंबर ऑफ बैच आमर बहुत अधिका हो गलानी, ट्वेल्थ ऑलरेडी एक्जिस्टेंस अच्छी, इलेवेन्थ नंबर ऑफ बैच भी आमर ए बी सी तीन टा बैच हो सलानी। तो जदि आम से ऑलरेडी ट्वेल्थ आमर अच्छे चारिटा बैच, एथे आसला तुम इलेवेन्थ तीन टा बैच, चार तीन सतटा बैच जब प्रति घंटे घंटे पढ़ेबी तेल मुझे दिन को सत घंटा खाली पढ़ेली, बुझे लगे ना। तो रेस्ट टाइम मो पाखे टी बहुत कम रोज है। देन आफ्टर डाउट क्लीयरिंग क्लास भी रोज आमर जूम क्लास रे। तो किसी पिला से रेजल्ट बाहर पर क्लास टेन्थ रेजल्ट बाहर से आम इनिट्यूट एडमिशन हो सारापर ताक नहीं गोटे जूम क्लास आम कर जूम क्लास पर क्लास तीसटा पिला रखीचु मैक्सीम। तो से क्लास सरलापर प्रति विकली गोटे डाउट क्लीयरिंग क्लास पढ़ू, तो से मोर से टाइम मुझे दौर। तो मैक्सीम टाइम जेहेतु कॉलेज पे रही जाऊँ इंस्टीट्यूट पे रही जाऊँ से कि यूट्यूब क्लास को आम जमी आगुरी दौलू से अनुसार आम दे पारूना ता मैंने भावानी कि आम दबानी आम कंटिन्यू करवा कितु कौन प्रोब्लेम हम धर जो मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे पढ़ेली प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे थीओरी पढ़ेली बट नंबर अफ क्वेश्चन टाक मुझे सल्व करने टाइम भी मोर सफिसीएंट ना। तो जो पिला मैंने जूम क्लास से मुझे कही रखुची जो तुम्हें थियोरी क्लास पुणी देखुच तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करी पारिमि कहीं गोटे घंटा मोर क्लास रोइबो गोटे घंटा क्लास रे ओनली मु न्यूमेरिकल क्वेश्चन करी, बुझे लगे ना। एनी डाउट जहाँ भी रोइबो तुम रूटीन भी दि जाए जूम पिला जे प्रति सप्ताह गोटे दिन तुम डाउट क्लीयरिंग क्लास हो फिजिक्स से डाउट क्लीयरिंग क्लास केत लगे तुम दे घंटा रू दु घंटा जिते पर्यंत पिला डाउट क्लीयर नहीं थी सेत पर्यंत से क्लासटा कंटिन्यू ही चलो, बुझेगा कि नहीं। तो मुझे आज प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे पढ़ेबी किसी क्वेश्चन करमि बट नंबर अफ क्वेश्चन सल्व करने मो पाखे से टाइम ना, बुझे लगे ना। कहीं देख फिजिक्स तुम पाठ स्टार्ट काइनेमेटिक्स देख काइनेमेटिक्स तुम क्वेश्चन मुझे कतेटा क्वेश्चन ये मुझे सल्व कली काइनेमेटिक्स क्वेश्चन मुझे चार्टा कि पाँचटा क्वेश्चन सल्व कली बट जूम क्लास मुझे क्वेश्चन सल्व कर मोर देन 200 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रु आम जो एसएलआर फॉलो करा सहित नीट प्रिपेरेसन कि मुझे डिसीप्लिन बही फॉलो करुच्चर भी नंबर अफ क्वेश्चन बहुत अधिका जो पिलाखे थी बही से जापर एवं जो पिला भी आम वीडियो भी देखुंत से भी जापर। हाँ, आउ टे छुआ कही रखुची मुझे जूम क्लास से दिन कहना भूलिएली आज मुझे तुमको जनईदी जे तुम गोटे एग्जाम हम एग्जाम टाइम टेबुलटा तुमको जनईदेमी बट तुम मेजरमेंट स्केलर भेक्टर काइनेमेटिक्स तीन टा एग्जाम हम तो तुम सांग जनईद आम ऑफिशियल भी तुमको रिपोर्ट पहुँची। ओके, तो लेट इट तो बर्तमान स्टार्ट करवा दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ना प्रोजेक्टाइल मोशन माने ए भलिया केस मो हाथ रे कौन अच्छी ना गोटे चक अच्छी गोटे जो बॉडीटा अच्छी एटा को प्रथम मुझे वेलोसिटी देली किसी वेलोसिटी देले ये केमती जीव एमती जाए आगे पड़ी यही प्रकार मोशन को आम कह प्रोजेक्टाइल मोशन। इनिशियली मुझे वेलोसिटी देली बट थ्रो आउट इट्स मोशन मोशन करवा भितर मझीर आई वेलोसिटी दौ ना बा मझीरे कि एनर्जी दौ ना से ऑटोमेटिकली मोशन कला। तो ये मोशन कला धीरे धीरे मोशन कर से कुआड़ को गला ना टुवर्ड्स द ग्राउंड कहीं ग्राविटी तापर एक्ट करुच्चे तेल प्रोजेक्टाइल मोशन में गोटे ही फोर्स एक्ट कै से फोर्सटा ना है तुम कौन ग्राविटेशनल फोर्स और इन सिंपली लाइन और इन ए सिंगल लाइन वी कैन से देर इज अ ग्राविटी, बुझे लगे ना।
ତାହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ମୋସନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି, ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଦେଖୁଛ ମାନେ ଏ ମୋସନ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ବି is said to be a projectile motion if a single velocity if a empty by me likhi pariba if a gravity is always act on it throughout its motion and no further energy is supplied throughout its motion. Okay. A motion is said to be a projectile motion if a gravity is always act on it throughout its motion and no further energy is supplied throughout its motion. जहाँ भी हमें energy दे थी, हमें initially energy दबा ବଟ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ମୋସନ୍ କରିବ ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଏନର୍ଜି ଦେବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋସନ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋସନ୍ କହିବା? ନା, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ମୋସନ୍। ଓକେ, ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ମୋସନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ରହୁଛି। ସେହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ସବୁ କନସେପ୍ଟଟା ମୋତେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ଯେତିକି ଦରକାର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? तो देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओनली वन कॉन्सेप्ट। देखो, से कॉन्सेप्ट ऊपर मु सब प्रॉब्लम मु सॉल्व कर दे परिमि। गोटे कॉन्सेप्ट नियो, से कॉन्सेप्ट हला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଭେଲୋସିଟି ମାନେ ଛୁଆ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଭେଲୋସିଟିଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଥିବ ସେହି ପ୍ରକାର ଭେଲୋସିଟିକୁ ଆମେ କହିବା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଭେଲୋସିଟି। ଯଦି ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଭେଲୋସିଟି ଯେ ଅଲୱେଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସିଲେରେସନ୍ କେତେ ହେବ? ଜିରୋ। ଏକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ? ଆଇ ଅଲରେଡ଼ି ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ କାଇନେମେଟିକ୍ସ, ଏ ଭେଲୋସିଟି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଏକ୍ସିଲେରେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଜିରୋ। ତ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଭେଲୋସିଟି ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ ହିୟର, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ଭେଲୋସିଟିଟା ଏକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଭେଲୋସିଟି, ଯେଉଁ ଭେଲୋସିଟିଟା ୱାଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଭର୍ଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଭେଲୋସିଟି ଅଲୱେଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତା'ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିମି ଦ ଭେଲୋସିଟି ଆଲଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ଆଲଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସିଲେରେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କେତେ ହେବ? ଜିରୋ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କଥା ଦେଖ, ଭର୍ଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି ଇଜ୍ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ, ଭର୍ଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି ଇଜ୍ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ, ଭର୍ଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ଭେଲୋସିଟି ଆଲଙ୍ଗ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ। ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ବଡି ଯେତେବେଳେ ମୋସନ୍ କରେ ତା'ର ଭେଲୋସିଟିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନଥାଏ, ତା'ର ଭେଲୋସିଟିଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଭେରି କରିବ। କେମିତି ଭେରି କରିବ? ଯଦି ଉପରକୁ ବଡି ମୋସନ୍ କରେ ତ ଗ୍ରାଭିଟି କୁଆଡ଼ୁ ଟାଣୁଥିବ, ମୋସନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ଫୋର୍ସ ପକାଉଥିବ, ତ ଭେଲୋସିଟି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିଟା ତଳକୁ ମୋସନ୍ କରୁଥିବ, ଗ୍ରାଭିଟିଟା ଆକ୍ଟ କରିବ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି, ତ ଭେଲୋସିଟି ଗ୍ରାଜୁଆଲି କ'ଣ କରିବ? ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଆଲଙ୍ଗ ଦ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ। ଯେହେତୁ ତୁମର ଭେଲୋସିଟିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ,
ताले एक्सेलरेशन निश्चित ही तैयारी होबो एवं सही ताले मुझे भी लिखे दो जे एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो ए दुटा कथा छुआ मन रखी दियो टिके आम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आम सॉल्व करी परबा बुझी हला कि नै तो एबे चलो छुआ माने आम वर्तमान जीवा दैट इज अ डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ओके तो जे मु तुम दुटा केस को जे केस वन और केस टू गोटे केस थ्री अच्छे इनक्लाइन प्लेन उपर प्रोजेक्टाइल मोशन से केसटा को ये मुझे कही पारि केस वन केस टू टाक मुझे केस वन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट बुझेगा कि नहीं किसी हाइट उपर गोटे बॉडी को मुझे प्रोजेक्ट कले फॉर एग्जांपल एटा है गोटे बॉडी तो ग्राउंड किसी हाइट उपर मुझे वेलोसिटी प्रोजेक्टेड कली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड कली तो ये कौन हम आग को पल तो सही केस आम कौन फाइंड करवा के टाइम लगुच तौक को आसवापी केलोसीटी आसी तले स्ट्राइक कर तार इनस्टाटेनियस वेलोसीटी केते हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर ए नंबर ऑफ केसेस को बर्तन आम देखा बुझीगला कि नहीं ताले देखो केमती केस हो फिगरटा छुआ मु ड्र कर दिस वन इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग को छुआ मु कौन नहीं गली ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग को मो एच नहीं गली द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज योर एच ओके यही जगार गोटे बॉडी को मु रखी से बॉडी को मु किछे वेलोसिटी देली से वेलोसिटी टा हला केते वेलोसिटी ना हला यू वेलोसिटी हला यही वेलोसिटी रे बर्तन बॉडी को प्रोजेक्टेड कले बॉडीटा कौन आसीबो आसी तोले आसी बाडेबो बुझे लगे ना तो ये डिस्टेंस बॉडी थिला एई पोजीशन ले थिला बर्तन आसी एई पोजीशन ले पहुँचला जेतिको डिस्टेंस से आगो को गला से डिस्टेंस टा को हमें कौन कहवा हॉरिजॉन्टल रेंज से डिस्टेंस टा को हमें कौन कहवा हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज माने कौन द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी अलोंग द एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन रे बॉडी केते बाट आग को जाई पारु जी से डिस्टेंस टा को हमें को डिस्टेंस कहवा दैट इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज ओके एबे जीवा आम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने कौन ना वेलोसिटी पे बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जे वन सेकेंड बेले बॉडी को बर्तन मुझे जीरो सेकेंड रे किसी वेलोसिटी रे प्रोजेक्टेड कले तो गोटे सेकेंड पर तार वेलोसिटी केते हेतिव दुई सेकेंड पर तार वेलोसिटी केते हेतिव तीन सेकेंड पर वेलोसिटी केते हेतिव सेही प्रकार वेलोसिटी को आम कहवा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओके जस्ट वेट हाँ मुझे क्लास रोचे क्लास सो दिस वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओके सो धरा जो छुआ दिस इज द पोजीशन धरा जो बर्तन बॉडीटा को यही पोजीशन रु यही पोजीशन को आसवापी के टाइम लगुच टी टाइम लगुच देखा से टी टाइम पर यार वेलोसिटी रो खबर कौन होटा आम बुझा तर देख तो यार दुटा वेलोसिटी सो कर गोटे वेलोसिटी सो कर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हिच एक्सिस ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी एक्स आउ गोटे डायरेक्शन सो कर कौ डायरेक्शन ले ना वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो इंटरेस्टिंग कथा देख छुआ आम पढ़ी दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
दुटा भेक्टर को जदि आम गोटे पॉइंट रू ड्र करे से ही पॉइंट आम क्या ड्र करवा रेजल्टेंट भेक्टर तेल यही दुईट वेलोसिटी को मुझे यही पॉइंट रू ड्र करी तेल से ही पॉइंट आम क्या ड्र करवा ना रेजल्टेंट वेलोसिटी से रेजल्टेंट वेलोसिटी को मुझे नेली को भेक्टर ना मुझे नेली भी भेक्टर एवं धर जाऊ से भी भेक्टर टी बर्तमान भिएक्स सहित केते एंगेल कला ना भिएक्स सहित धर जाऊ बिटा एंगेल कला हला दैट इज द केस। तबे मु कौन कौन फाइंड करमी फास्ट फाइंड करमी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कौन पिला माने भल से बुझिबा पई चेष्टा करो। फास्ट वन इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ओके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी माने कौन ना इट इज द इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस जितेबाला बॉडीटा मोशन करुच्ची छुआ देख ये दि प्रकार डिमेनसन मोशन करुच्ची देख ल मत बॉडीटा को प्रकार प्लेन अच्छे टू डायमेंशनल प्लेन अच्छे केमती का अच्छी ना ये भाई है एक्स एक्सीस भाई ये है को एक्सीस ना ये है वाई एक्सीस है तेल एक्स एक्सीस वाई एक्सीस मिसला जो प्लेनटा तैयारीला सी है गोटे एक्स वाई प्लेन तो जितने बॉडीटा गोटे एक्स वाई प्लेन ले मोशन करुच्चे से दि प्रकार कोऑर्डिनेट चेंज करुव गोटे एक्स एक्सीस कोऑर्डिनेट आउ गोटे वाई एक्सीस कोऑर्डिनेट तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मुझे कौन शो करने चाहूँगी ना एक्स आउ वाई डायरेक्शन जो मोशनटा होती भितर गोटे रिलेशन एस्टाब्लीश करने चाहूँगी एवं से रिलेशन फाइंड कौन पाई आम करवा से रिलेशन आम जापर जे ये कौ प्रकार पाथ रे मोशन करुच्चे ये गोटे पाराबोलिक पाथ ना गोटे स्ट्रेटलाइन पाथ ना गोटे सर्कुलर पाथ से जिनसटा को आम जापर फ्रम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज इट क्लियर तेल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को मुझे डिफाइन करुच्चे लिखुचे एवं देख इट इज द इक्वेशन गिव्स द रिलेशन इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इट इज द इक्वेशन गिव्स द रिलेशन इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस ओके तो से रिलेशन टा हमें केमती फाइंड करवा एबे देखो प्रथम ना आम एक्स एक्सिस एज वी नो दैट एस इक्वल टू फॉर्मूला कौन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक अच्छे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो बर्तमान मुझे जेहेतु एक्स डायरेक्शन को कनसीडर करें सब जगार एक्स एक्स लिखिली एस एक्स यूएक्स आउ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस को मुझे नेली एक्स इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को एक्सिस छुआ एक्स एक्सिस ना तो एक्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी केत अच्छे ना यु ताले यु एक्स इज इक्वल टू मु यु लिखिली तो यु इन टू टी पुणी छुआ मुझे मन पकाओ प्रथम जो दुईटा पॉइंट कही एक्सिलरेसन अलोंग एक्स एक्सिस केत हम जीरो ताले एक्सिलरेसन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस केत हला जीरो तेल मो फॉर्मूला पाइले एक्स इक्वल टू यूटी और मुझे लिखिपारे टी इज इक्वल टू एक्स वाई यू ओके ये आम गोटे इक्वेशन पाइले एवं आम को एक्सीस पाकु जीवा वाई एक्सीस पाकु जीवा कनसीडर वाई एक्सीस जिते वाई एक्सीस पाखक जीवा आम फॉर्मूला पकेबा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बर्तमान मुझे वाई ये धरली वाई ये धरली वाई ओके छुआ मत कह द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी अलोंग वाई एक्सिस को मुझे कमी वाई इनिशियल यूवाई है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्रथम देख वेलोसिटी टा आम कौ डायरेक्शन देजे एक्स डायरेक्शन देजे वाई डायरेक्शन मुझे किसी भी वेलोसिटी देना प्रथम
तार वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस टा केते हिजिव ना जीरो ओके तो बोलिला कोन ना हाफ इनटू ए वाई किंतु वाई डायरेक्शन ले तुम्हारे एक्सेलरेशन टा जीरो हुए नहीं तो एक्सेलरेशन टा तुम्हारा प्लस जी ही परे कि माइनस जी ही परे जनक सर काई कि प्लस जी काई कि माइनस जी कहउछन दी आपण ना देखो एठी जो बॉडीटा मोशन करूँ से बॉडी मोशन पर रेस्पोन्सिबिलिटी किए डेफिनेसन मुझे कही ना दैट इज द ग्राविटी तेल यही बॉडी जो एक्सेलरेशन टा या ग्राविटी तैयारी होक्सेलरेशन बदल आम जी नवा तो जी केत प्लस केत माइनस तुम मैंने जाज वेलोसिटी बेटा बढ़ले कौन हम एक्सेलरेशन प्लस जी हम यही केस एक्सेलरेशन प्लस जी जदि वेलोसिटी कमी कमी जाए तो एक्सेलरेशन हम माइनस जी तेल बर्तमान मत कह जिते धीरे धीरे बॉडी तौक को आसुव तार स्पीडा बढ़ी बढ़ी चाहू कहीं ग्राविटी टाणु थो तेल वेलोसिटी बढ़ुची मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव आसो तेल एटी मुझे लिखमी ए वाई बदले प्लस जी इन टू आम कौन लिखिपर ना टी स्क्वायर तार वाई इज इक्वाल टू पाइल आम हाफ जी टी स्क्वायर एवं मत कह ऑलरेडी वी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टी टी इक्वाल टू एक्स बाय यू विदाउट एनी हेजिटेशन पुट द वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन देन फाइनली वी गॉट द आंसर विल बी वाई इज इक्वाल टू हाफ जी इन प्लेस ऑफ टी कौन लिखा एक्स बाय यू रो होल स्क्वायर एक्स बाय यू रो होल स्क्वायर तो ये देखो तो ये छुआ मैंने देख यू मुझे सॉल्व करी दैट्स इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू वन बाय टू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर और दैट्स इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर होल इंटू आम के लिखिपर ना एक्स स्क्वायर हला तो वर्तमान जी आउ यू को जदि आम कांस्टेंट नवा ताहले जी कांस्टेंट यू कांस्टेंट टू इज ए नंबर इट इज ऑल से कांस्टेंट तले वाई इज इक्वल टू मुझे लिखिपरमी के इंटु एक्स स्क्वायर हयार के इज इक्वाल टू फर्मुला आम कौन पाइजे ना जी डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर बुझेगा कि ना तो वाई इक्वाल टू के एक्स स्क्वायर एटा कहार इक्वेसन ना जेटी द इक्वेसन पाराबोला मैथमेटिक्स सर पढ़े इलेवेन्थ रही गोटे टू डी अच्छी टू डायमेंशन टू डी गोटे अच्छी मैथमेटिक्स से ही केस तुमको पाराबोला विषय कनसेप्ट जनइबे जमी वाई इक्वाल टू एम एक्स प्लस सी ये गोटे स्ट्रेट लाइन इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वाल टू ए स्क्वायर गोटे सर्कल इक्वेसन से भाई वाई इक्वाल टू के एक्स स्क्वायर एटा है गोटे इक्वेसन अफ पाराबोला तो दिस इज द इक्वेसन अफ पाराबोला दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला ता माने जितने बॉडी को आम किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टेड कले ये जो प्रकार पाथ रे मोशन करूजी ए पाथ रा को पाथ ना गोटे पाराबोलिक पाथ बुझेगा कि नहीं तले इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टर आम जानवापी पाइलु जे ड्यूरींग द प्रोजेक्टाइल मोशन द बॉडी मूव्स इन ह्विच टाइप ऑफ पाथ ना इट मूव्स इन ए प्रोजेक्टाइल सॉरी इन अ पाराबोलिक पाथ ओके तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ओके तो ये गला तुम्हारो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एबे छुआ मु फाइंड करमी टाइम ऑफ फ्लाइट एफ एल आई जी एच टी टाइम ऑफ फ्लाइट गोटे बॉडी को तार मोशन यही बॉडीटा कौ जो मोशन करा से मोशन करने टाइम लगुच तामने यही पॉइंट रो यही पॉइंट को आसवापाई तक केते टाइम लगुच से आम फाइंड करवा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तक मुझे गली कैपिटल टी ओके चो बॉडी प्रथमे थिला केते हाइट उपरे एच हाइट उपरे थिला आसी पहुँचला कौटी ना आसी ग्राउंड रे आसी पहुँचला थिला एच हाइट उपरे पहुँचला कौटी ग्राउंड रे
ताले से को प्रकार एक्सिस रे बर्तन से मोशन करिला एइडो तळकु आसिया पई त केते टाइम लागुची उपरे थिला बर्तन तळे अछि ताले को डायरेक्शन हमें कंसीडर करिबा वाई डायरेक्शन कंसीडर करिबा ताले कंसीडर वाई एक्सिस तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो वाई एक्सिस को कंसीडर करो तो बॉडी केते हाइट उपरे थिला भाई एच हाइट उपरे थिला ताले तळकु आसिला तो केते डिस्टेंस कवर कला एच इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस केते छुआ कोइथिली मु जीरो कने हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करथिले तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हला जीरो प्लस हाफ जते तळकु आसिबा ग्राविटी ताकु टाणु थुवा आउरी तो वेलोसिटी बडु थुवा एक्सेलरेशन आसिया पॉजिटिव तो ए वाई हला जी इनटू टी से टी टाकु मु कैपिटल टी नेले से कैपिटल टी को कहबा टाइम ऑफ फ्लाइट केते टाइम लागु जे ताकु तळकु आसबा पई ताले ताकु सॉल्व कला पर हमें कौन पाइले ना एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और दैट इंप्लाइज टी इक्वल टू टू एच बाई जी स्क्वायर रूट दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर जी का ऊपर ना टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट ऊपर डिपेंड कर जी टाइम ऑफ फ्लाइट आ वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करो नहीं बुझिया लगे ना दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हाइट ऑफ द टावर यस है ना इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी क्लियर ओके एबे हमें छुआ फाइंड करवा हॉरिजॉन्टल रेंज केते एई जगह रे थिला आसी एई जगह रे पहुंचिला केते मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर जी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सेइडा को हमें फाइंड करवा ताले हमें मु लिखली वर्तमान दैट इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन जितिको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करथिबो सेइरा को हमें कहबा हॉरिजॉन्टल रेंज ओके एबे हमें जिबा एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करिबा ओके तो कंसीडर वाई एक्सिस सॉरी कंसीडर एक्स एक्सिस एस इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या हमको फॉर्मूला क्या है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एक्सिलेशन एलोंग एक्स एक्सिस मु कोई थी जीरो एस एक्स टा केते बाट मैक्सिमम गला एक्स डायरेक्शन ले आर डिस्टेंस इज इक्वल टू यू एक्स रे वैल्यू केते यू टी टा हला केते टाइम लागुची तळकु आसीबा पई तो या कैपिटल टी एटी टा कोटी केते टाइम लागुची तळकु आसीबा पई से टी टा को हम कहबा टाइम ऑफ फ्लाइट तो आर इक्वल टू यू इंटू टी जगह हम ऑलरेडी फॉर्मूला पाइजे टू एच बाई जी रो स्क्वायर रूट ताले छुआ मैंने एठी मो पाई गले हॉरिजॉन्टल रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो हॉरिजॉन्टल रेंज टा डिपेंड करुची का ऊपर ना इनिशियल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करुची किंतु टाइम ऑफ फ्लाइट टा डिपेंड करे नहीं बुझे लगी नहीं ओके तो एबे छुआ मु फाइंड करमी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निजे लिखि दे परबो
velocity of a body at a particular instant of time is known as kana instantaneous velocity. As velocity is a vector quantity, so which has both magnitude as well as direction. That means now I am going to find the magnitude of the instantaneous velocity as well as the direction of the instantaneous velocity. So here the beta gives the direction of instantaneous velocity. Okay. Instantaneous velocity. B vector. Okay. तेरे मुझे लिख पारे में भी वेक्टर इज इक्वल टू मुझे लिख पारे में भी एक्स वेक्टर प्लस भी वाई वेक्टर बिकॉज भी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ भी एक्स एंड भी वाई अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंगल इन बिटवीन भी एक्स एंड भी वाई इक्वल टू हाउ मच डिग्री 90 डिग्री सो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ भी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ भी स्क्वायर एक्स प्लस कैसे लिखा भी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस टू ए वे कॉस थे रूट ओवर थी जी 90 डिग्री हुए तो कौन हुए ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर रूट ओवर ये एटा को हम भी एक्स बीटा को हम भी वाई तो कौन हम भी स्क्वायर एक्स प्लस भी स्क्वायर वाई र स्क्वायर रूट ओके भी एक्स वैल्यू कैसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट एटी जहाँ थिला एटी भी सीआर रहइब तो भी एक्स टा कैसे हम सही यूएक्स से यूएक्स वैल्यू भाई कैसे ना यूएक्स वैल्यू वाला यू तो भी एक्स इक्वाल टू मुझे लिखिली ना भी एक्स इक्वाल टू मुझ यू लिखिली बुझीपाल कि ना कहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ओके जेकोसी टाइम रे प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टा चेंज हुए ना जड़े पचे सर कहीं खेल कथा पड़ी ना चेंज हो ना देख चुआ बॉडीटा मोशन करुच्चे बर्तन जो प्रोजेक्टाइल मोशन करुच्चे ग्राविटी केमती एक्ट करुच्चे ना ग्राविटी ताको परपेंडिकुलरली कोली एक्ट करुच्चे मन रखित पिला मैंने गोटे सिंपल गोटे खतरा कनसेप्ट दौर ये है बॉडी ये जाऊँगी किसी ना कि स्पीड रे मोशन करुच्चे जदि आम सेम डायरेक्शन गोटे फोर्स एप्लाय करवा तार स्पीडटा बढ़ तार अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एप्लाय कले स्पीडटा कम ताले जो डायरेक्शन बॉडी मोशन करजे सेम डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कले तार वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड बढ़ स्पीड बढ़ डायरेक्शन चेंज हबो नहीं किंतु जदि गोटे बॉडी जो डायरेक्शन मोशन करजे ताकु जदि हमें परपेंडिकुलरली गोटे फोर्स अप्लाई करिबा ताले एई बॉडी रो तार स्पीड किछि चेंज हबो नहीं किंतु यार डायरेक्शन कोन हिजबो चेंज ए डायरेक्शन अपना बॉडी जाऊँगी अपना परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कली ये जो स्पीड जाऊला से स्पीड जीवो किंतु डायरेक्शन चेंज हो ताले मत कह ये है तुम को एक्सीस ये है तुम एक्स एक्सीस ये है एक्स एक्सीस ग्राविटी कुआड़ को एक्ट करुच्ची ना ग्राविटी तल को एक्ट करुच्ची ताले ग्राविटेशनल फोर्सटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सहित 90 डिग्री एंगल करुच्ची तार ग्राविटेशनल फोर्स यार डायरेक्शन को चेंज कर तार मैग्नीट्यूड को चेंज कर मुझे एरो मार्क दौना यार तक स्पीड एलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू ताल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जेकोसी टाइम कौन कांस्टेंट दैट इज द कंक्रीट कॉन्सेप्ट ओके ठीक अच्छे भाई एवास भी वाई आम जानजे भी इक्वाल टू यू प्लस एटी भी वाई इक्वाल टू कौन लिखा इ वाई ए वाई टी भी वाई इज इक्वाल टू इटा के इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस नहीं जी जी इंटू टी टीटा कौटी ना 2 सेकेंड बेले के 1 सेकेंड बेले के 3 सेकेंड बेले वेलोसिटी के टीटा है ये तेल भि वाई इज इक्वाल टू मुखिपरि ना भि वाई इज इक्वाल टू जी इंटु टी तो ये भि वाई एक्सप्रेसन आम पाइले तब देख छुआ मैंने तो दैट्स इम्प्लाइज भि इज इक्वाल टू स्क्वायर रूट ऑफ भि एक्स जगह मुझे पकेली यु तो भि स्क्वायर एक्स मैंने के यु स्क्वायर भि वाई जगह केकेबा जि टी तो भि स्क्वायर वाई मैंने के लिखा जि स्क्वायर टी स्क्वायर ओके
ତାହେଲେ ଏଇ ବିଟା ହେଲା ତୁମର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍। ଏବେ ଏରୋ ମାର୍କ ଦେଇନାହିଁ ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍। ଓକେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବ ଯେ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ କେତେ ହେବ, ତ ଟି ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ପକାଇବ। ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ କେତେ ହେଇଥିବ, ନା ଟି ଜାଗାରେ ଦୁଇ ପକାଇବ। କହିଥିବ ଟି ଜିରୋ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ କେତେ ହେଇଥିବ, ନା ଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଜିରୋ। ତ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ କେତେ, ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍, ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେତେ, ୟୁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଜିରୋ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ କେତେ ଥିଲା, ନା ଜିରୋ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ ଥିଲା ୟୁ। ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଆଙ୍ଗେଲ। ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ର କଲି, ଗୋଟେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କଲି। ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଟେନ୍ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ ହାଉ ମଚ୍, ଟେନ୍ ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ବେସ୍। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଇଏ ହେଲା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଇଏ କାହା ସହିତ ପାରାଲାଲ ଭି ୱାଇ ସହିତ। ତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଲା ଭି ୱାଇ। ବେସ୍ଟା କେତେ ଅଛି, ନା ବେସ୍ଟା ହେଲା ତୁମର ଭି ଏକ୍ସ, ଭି ୱାଇ ବାଇ ଭି ଏକ୍ସ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟେନ୍ ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭି ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଛି, ଜିଟି। ଭି ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଛି, ନା ଭି ଏକ୍ସ ହେଲା ୟୁ। ତ ଟେନ୍ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିଟି ବାଇ ୟୁ। ତ ବିଟାଟା ହେଲା ତୁମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ତ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟେନ୍ ଇନଭର୍ସ ଜିଟି ବାଇ ୟୁ। ଓକେ, ସୋ ବିଟା ଗିଭ୍ସ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଆଣ୍ଡ ଭି ଗିଭ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟି। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତିକ ଜିନିଷ ଆମେ କେସ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଫାଇଣ୍ଡ କଲୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ କଲୁ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ କଲେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ରେଞ୍ଜ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଫାଇଣ୍ଡ କଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଭେଲୋସିଟି। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ କରିଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କେସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଓକେ, ସେ କହିଲା ୱିଡ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟେୟାର୍ କେସ୍, ସିଡ଼ି ପାହାଚ ହେଲା। ୱିଡ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ କେସ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ନେଲି ଏ, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ କେସ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ନେଲି ବି ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ଦେଲି କେତେ ୟୁ ହେଲା। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଗଡ଼ି 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 ଆସିବ। କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଏନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଏନ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ରେଞ୍ଜ କେତେ ହେବ, ଆର୍ କେତେ ହେବ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ରେଞ୍ଜ। ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେୟାର୍ କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ କେସ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ଦ ୱିଡ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ଏ, ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ବି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ବଡ଼ି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଭେଲୋସିଟି ୟୁ। ସୋ ନାଓ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍, ଆଫ୍ଟର୍ ଏନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ହାଉ ମଚ୍, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆର୍, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଟ୍, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ହାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଚ୍। ଓକେ, ସେ ପଚାରିଲା କେଉଁ ଭେଲୋସିଟିରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ଼ କରିବା, ବା ଏଇଟାକୁ ସେ କହିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏ ବି। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ଏ ଆଉ ବି ଅନୁସାରେ ୟୁକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କର, ସେ ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ତ ବେଟା ଅଭି ମୁଝେ ବୋଲୋ ରେଞ୍ଜ କିତନା ହୋଗା, ଆନ୍ସର୍ ରେଞ୍ଜ କିତନା ହୋଗା, ଏଇ ୟାର ୱିଡ୍ଥ କେତେ ଏ, ୟାର ୱିଡ୍ଥ ବି କେତେ ଏ, ୟାର ୱିଡ୍ଥ କେତେ ଏ, ସେମିତି କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଏନ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକ ୱିଡ୍ଥ କେତେ ହେଇଥିବ, ନା ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସରିଲା। ୟାର ହାଇଟ୍ ହେଲା ବି, ୟାର ହାଇଟ୍ ହେଲା ବି, ୟାର ହାଇଟ୍ ହେଲା ବି, ଏନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ତା ଟୋଟାଲ୍ ହାଇଟ୍ଟା କେତେ ହେବ, ନା ଏଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି।
तो आम जाने फर्मुला आर इक्वाल टू यू इन टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एच वाई जी सो दैट सिंप्लाइज आर जगह मुझे पकेमी एन ए यू को यू रहा रूट ओवर ऑफ टू इन टू एच जगह के पकेमी एन बी वाई के हम जी तले ये जगह कार वैल्यू फाइंड कर पारिबा यू रो वैल्यू फाइंड कर पारिबा सो दिस इज द नीड क्वेश्चन दिस इज द नीड क्वेश्चन एंड इट कम्स मोर देन टू टाइम्स इन द 2017 2018 एग्जाम ओके सो द क्वेश्चन इज यू आर गिवन द विड्थ ऑफ द ईच स्टेयरकेस इज ए हाइट ऑफ द ईच स्टेयरकेस इज बी इफ द स्टेयरकेस कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेप देन एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप ए एंड बी ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेकेंड क्वेश्चन इज दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन लेट दिस वन इज द एरोप्लेन लेट दिस वन इज द एरोप्लेन व्हिच इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1 kilometer and it is traveling with a velocity of let 600 kilometer per hour eida aeroplane ta achi se one ground 1 kilometer height upre achi ebong 600 kilometer per hour se kon korchi move koruchi बन्या हेजी फ्लड पड़ी वर्तमान बन्या हेजी लोक मैंने खायापी पाऊना वर्तमान ये कौन हम ना एरोप्लेन रु सब तुमको रिलीफ फिंगा ऊपर लोकटा अच्छे से रिलीफ फिंगूच तू यही जगार ढड़ा हो तु यही जगार ढड़ा हो तो सी गोटे पैकेटा फिंगा से पैकेटा के तोठारे आगे आसी पहुँच ते डिस्टेंसटा पचारा कहना यही जगार फिंगा मानने कौन से बॉडी का वेलोसिटी के 600 किलोमीटर पर आवर कहीं से बॉडीटा क्या भितर अच्छी एरोप्लेन भितर जब एरोप्लेन जा 600 किलोमीटर पर आवर है बॉडी जा 600 किलोमीटर पर आवर तो जो बॉडी को फिंगा गला तोठार के डिस्टेन्स दूर से आसी पहुँच तेल आर इज इक्वाल से पचार आम कमी फाइंड करवा आर इज इक्वाल टू आम फर्मुला कौन लिख पार ना आर इज इक्वाल टू यू इन टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एच वाई जी बर्तमान सेम सिस्टम ऑफ यूनिट रे कन्वर्ट करवा यूटा अच्छे 600 किलोमीटर पर आवर 5/18 मल्टीप्लाई कले मीटर पर सेकेंड को पलै आस जीटा को नहीं जाओ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 नहीं पार इजी कैलकुलेशन मु 10 नेली एवं लेट एच इज इक्वाल टू 1 kilometer अच्छी तो ताको मु 1000 मीटर नहीं गली सेम सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट कली यूज एच जी वैल्यू पुट कर आर वैल्यू मिल जाव बुझे लगे ना तो दिस इज द अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट इज योर केस नंबर 1 सेमती आउ बहुत गुड़ाए क्वेश्चन अच्छी तो से सब क्वेश्चन तो करने एक्चुअली आम पाखे भी एतिक सफिसीएंट भी टाइम नहीं है जो पिला मैंने जूम क्लास कर ताको बेले आमे नंबर ऑफ क्वेश्चन टाक आमे सॉल्व करी परिबा बुझेला कि नहीं तो किछ ओरी होबार नहीं ओके थैंक यू।